हाय एवरीवन, दिस इज मी अली मिर्जा। वेलकम बैक टू अवर चैनल लैपटॉप रिपेयर। नाउ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके एचपी लैपटॉप को पुराने से नया आप कैसा बना सकते हैं। ये रहा हमारा एचपी का नोटबुक सीरीज जिसका मॉडल नंबर है एचपी 245 G4 सीरीज का। ये लैपटॉप है जो कंपनी डिफॉल्ट में 500 GB हार्ड ड्राइव और 4 GB रैम आया था इसके अंदर। तो आज हम इसमें करने वाले हैं 240 GB का SSD इसमें इंस्टॉलेशन करेंगे और 4 GB रैम इंस्टॉलेशन करेंगे सैमसंग ब्रांड का। आपके भी लैपटॉप में स्लो बूटिंग हो रहा है या लैगिंग कर रहा है या आपको हैंगिंग कर रहा है, आपका यूजेज के टाइम पे जो है आप ओपन कर रहे हैं, कुछ क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहे हैं या लैपटॉप ओपन करने के लिए आपको टाइम ले रहा है, 5 से 10 मिनट भी टाइम लेता है कभी कभी हार्ड ड्राइव प्रॉब्लम रहने की वजह से या रैम कम रहने की वजह से, उस सिचुएशन में आप रैम और SSD अपग्रेड करने के बाद आपको लैपटॉप का लाइफ और 3 से 4 साल का और आपको आगे बढ़ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ जाएंगे लैपटॉप के बैक साइड में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी के कनेक्टर्स रहेंगे आपको दो। अभी हम इसका बैटरी निकाल लेंगे इधर से। जैसा कि आप देखिए हम इसका बैटरी निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्रूज रहेंगे, 1x1 करके इसके स्क्रूज भी निकाल लेंगे। मशीन है हमारे पास, हम मशीन से निकालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पूरे स्क्रू इधर के निकल गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर DVD रहेगा, आपको ये DVD इधर से निकालना रहेगा। बेसिकली इधर से निकल जाएगा ये, आप प्रेस करते कि उसके बाद आपको ये नीचे दो स्क्रूज रहेंगे। तो ये स्क्रूज के लिए हम हमारा ये छोटा सा बिट रहेगा, हम स्क्रूटर की बिट से ओपन करेंगे क्योंकि इसके स्क्रूज बहुत छोटे रहेंगे जैसा कि देख सकते हैं आप ये। तो आपको केयरफुली से ओपन करना रहेगा ये वापस से, जहाँ से आप स्क्रू निकाल रहे हैं वहाँ पर आपको लगाना रहेगा। और यहाँ पर हमारा एक स्क्रू नहीं निकल रहा है तो ये हम लैपटॉप के बाद ओपन करे बाद ये स्क्रू बाहर आ जाएगा वो भी। तो सबसे पहले हम कर लेंगे यहाँ के और दो स्क्रू है, यहाँ के भी दो स्क्रू जो है सो रिमूव कर लेंगे। पैनल ओपन करने से पहले आप एक बार चेक कर लेने का रहेगा कि मैं आपको इधर से बता दूंगा, ये यहाँ के पूरे स्क्रू हमने रिमूव कर देंगे। इसमें से एक या दो स्क्रू इसमें से मिसिंग है तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इसका पैनल ओपन करेंगे। लाइट पैनल ओपन कर दिए बस से ये एंडिंग कॉर्नर से आपको जो है सो ये एंडिंग कॉर्नर से आपको ओपन करना रहेगा। तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से इसको ओपन कर रहा हूँ। देखिए आप इधर से आपको एक छोटा सा ओपनर रहेगा ले लेने का, छोटे से ओपनर से आप इसको ओपन करना रहेगा। नॉर्मली आप प्रेस करते हुए इसको स्मूथली आप इसको आगे बढ़ाइए। आपको यहाँ का पैनल हमारा अपसाइड का ओपन हो गया, अपसाइड्स के ओपन करेंगे लॉकिंग सिस्टम इसका। यहाँ का भी हमारा ओपन हो गया है। उसके बाद हम यहाँ का भी ओपन कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से ओपन हो गया। इधर आप यहाँ प्रेस करते हुए आप इसको ओपन करना रहेगा तभी हम इसको ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कंपनी डिफॉल्ट हमें कैसा आया है। ये आपका हार्ड डिस्क का सेक्शन है, ये रैम का सेक्शन है हमारा। ऑलरेडी हमने इसका बैटरी रिमूव कर दिया है। इसमें है आपको PC3L रैम है इसके अंदर, 4 GB हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। PC3 यहाँ पर आएगा, DDR3 सीरीज रहेगा। ये रैम का और आपको SSD का दोनों का भी आपको प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले इसका हार्ड ड्राइव निकालेंगे इधर से। हार्ड ड्राइव निकालने से पहले आपको देखना रहेगा कि यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम कुछ है नहीं है, तो ये रबर की बीडिंग में है आपको। तो यहाँ से आप जैसा कि इधर से प्रेस करते हैं कि आपको ये आपका पुराना वाला हार्ड ड्राइव निकल जाएगा। तो स्मूथली आप इसको निकालिए। उसके बाद हम इसको बैक साइड पलट रहे तो यहाँ पर इसका एक कनेक्टर है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कनेक्टर का भी लॉक ओपन करना रहेगा, छोटा सा आप ट्विजर या बिट से ओपन कर सकते हैं। अभी मैं इसको ओपन कर दिया, ये निकल गया है, वापस से हम इसको लॉक कर देंगे ताकि लॉक डैमेज ना हो। तो सबसे पहले हम कर देंगे इसका रैम अपग्रेड। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसका रैम ले लूँगा। इसका रैम हम इसको ओपन कर देंगे। आप देख सकते हैं DDR3 PC3L सीरीज का ये रैम है। अभी हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। अभी मैं इसमें फिक्स कर दिया हूँ। उसके बाद मैं इसको प्रेस करूँगा इधर से। दो सेट से भी लॉक हो गया है, आपको देखना है एक सेट से अगर लॉक हो गया, एक सेट से अगर नहीं हुआ तो आपको ट्रबल होगा। ये दो सेट से भी होना चाहिए लॉक। आप स्मूथली प्रेस करिए। उसके बाद हम कर देंगे लैपटॉप को थोड़ा बाजू। ये हम इसको ओपन कर दिए हैं। अभी मैं इसका हार्ड ड्राइव निकाले बस आपको थिंकस्ट्रॉन की यहाँ पर ब्रांडिंग दिखेगी। फिर बैक साइड में जैसा आप इधर आ रहे थे यहाँ पर भी आपको ब्रांडिंग है और यहाँ 240 GB का SSD है बोल के आपको कैपेसिटी भी बताएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं वो तो फर्स्ट इसका कनेक्टर निकालेंगे इधर से। आपको पकड़ के बेसिकली स्मूथली इसको निकालना रहेगा। उसके बाद आप देखिए कनेक्टर ये साटा है, ये पावर है,
तो आपको सेम कंडीशन में ही लगाना रहेगा, या छोटा है या बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा है या छोटा है, तो आपको सेम कंडीशन में, इधर से आपको मैं बताऊंगा, सेम कंडीशन में आपको छोटी की जगह छोटा, बड़े की जगह बड़ा लगा के स्मूथली इसको प्रेस कर देने का रहेगा। ये हमारा लॉक हो गया है, उसके बाद आप जो इसको, ये लॉक हो गया, उसके बाद आप जो इसको, इसका हार्ड रेप है यहाँ पर, आप लॉक रहे यहाँ पर, आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको लॉक निकलेगा, इधर से, इधर से भी आपको वैसा ही करना रहेगा। उसके बाद हम ये हटा देंगे इसका हार्ड रेप, सेकेंड जो इसको इसमें हम वापस से इसमें फिक्स कर देंगे SSD में। ये हमारा SSD में फिक्स हो गया है, ये बहुत इजी स्टेप है, घर बैठे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इंस्टॉलेशन कर दिए, बस ये आपके वापस SSD में आप कैसा सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करने का है, कैसा उसको जेन्यून सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का है, आपको आई बटन पे दे दिया गया है, वहाँ पर ऊपर दिए गए आई बटन पे, वहाँ पर उसका लिंक है, आप क्लिक कर दीजिए, आपको वो वीडियो के ऊपर डंप कर देगा, लेके जाके वहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कैसा डाउनलोड करना है, कैसा उसको बूटेबल बनाना है, कैसा इंस्टॉल करना है लैपटॉप में, आपको पूरा वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो अभी हम वापस से हमारे कनेक्टर करने आ जाएंगे, ये कनेक्टर हमारा लॉक ओपन कर दिए हैं, उसके बाद हम इसको वापस से इधर लगाएंगे। मैं आपको ये क्लोजअप में बताऊंगा, आपको बेसिकली स्मूथली इसको पकड़ के यहाँ पर आपको लगाना रहेगा, यहाँ पर आप लगा दिए बस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको लगा दिया हूँ पूरा, उसके बाद आपको ये लॉक करना है। तो ये हमारा ये HDD बोल के रहेगा, ये हार्ड ड्राइव का कनेक्टर है, हार्ड ड्राइव के कनेक्टर में हम लगाए SSD। अभी मैं जो इसको यहाँ पर इसको लगा रहा हूँ, लगा दिए बस, जैसे कि आप देख सकते हैं होल्स में मैच करने का रहेगा, ये रबर्स यहाँ पर मैच हो गए, बस ये आपको फिर स्मूथली इधर भी आपको प्रेस करते हुए फिक्स कर देने का रहेगा। आप देख सकते हैं मैं आपको ये साइड से भी बता रहा हूँ, यहाँ से भी हमारा पूरा मैच हो गया, SSD उसमें पूरा फिक्स होना चाहिए लॉकिंग सिस्टम में, उसके बाद ही आपको पूरा फिक्स होगा SSD इसमें, नहीं तो आपको निकलने के चांसेस रहेंगे, फिर आपको बूटिंग में कुछ प्रॉब्लम आएगा। अभी हमारा ये बहुत इजी स्टेप था, हमने इसको ओपन करा था, ओपन करके इसको पूरा फिक्स कर दिए हैं लैपटॉप में SSD और RAM। अभी हम लैपटॉप का थोड़ा हिंजेस को जो है सो इधर से डस्टिंग क्लीनिंग कर लेंगे। जब भी आप लैपटॉप ओपन कर रहे हैं तो आप छोटा सा एक ब्रश रहेगा, ब्रश से आप लैपटॉप को भी डस्ट क्लीनिंग कर लीजिए, ताकि आपका लैपटॉप हीटअप ज़्यादा ना हो। अभी मैं इसका डस्ट क्लीनिंग कर रहा हूँ, हिंजेस की साइड से हम थोड़ा डस्ट क्लीनिंग कर देंगे, थोड़ा डस्ट है इसके अंदर, इसका फैन के साइड से भी थोड़ा क्लीनिंग कर देंगे इसको। बेसिकली आप जब ब्रश कर ही रहे तो पूरे मदरबोर्ड पे भी ब्रश कर दीजिए, ताकि जो जो भी डस्ट है वहाँ से पूरा डस्ट निकल जाए इसका। अभी हम इसका बेस कवर पे भी थोड़ा डस्ट क्लीन कर देंगे, उतना ज़्यादा डस्ट तो है नहीं हमारे लैपटॉप में, थोड़ा वैक्यूम भी कर देंगे, एयर प्रेशर करेंगे इसमें थोड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने वैक्यूम से, ये रहा हमारा वैक्यूम, हम ये वैक्यूम से लैपटॉप का डस्ट क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं, अगर आपको वैक्यूम भी चाहिए तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको नीड है तो ये आप बाई करिए, अगर नीड नहीं है तो आप बेसिकली छोटे से ब्रश से भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको टूल्स क्या क्या यूज़ होते हैं आपको लैपटॉप के लिए, लैपटॉप ओपनिंग के लिए, लैपटॉप क्लोजिंग के लिए, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये रहा हमारा लैपटॉप का बेस कवर, अभी हम बेस कवर को इधर से पैक करेंगे। अभी हम हिंजेस की साइड से बिठा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको हिंजेस की साइड से बिठा के इसको लॉकिंग सिस्टम कर दूंगा। पूरा लॉकिंग सिस्टम है ये, फर्स्ट आप इसको लॉक करना रहेगा स्मूथली, इसको लॉक कर दिए वास्ते बाद में हम लगाएंगे इसके स्क्रूज, आप पूरा प्रॉपर इसको फिक्स करना रहेगा, नहीं तो आपको लॉकिंग अगर नहीं फिक्स हुआ तो आपको स्क्रू बैठने प्रॉब्लम करेगा। तो अभी हम इसके स्क्रूज भी लगाएंगे, तो यहाँ पर हम पहले इसके छोटे वाले स्क्रूज लगा देंगे, देख सकते हैं आप छोटा वाला रहेगा आपको जो यहाँ पर ही लगेगा, बाकी के स्क्रूज पूरे इसके सेम साइज के है, आप कौन सा भी स्क्रू कहाँ पर भी इसमें फिक्स कर सकते हैं। अभी मैं इसमें DVD लगा रहा हूँ, वापस से हम इसका स्क्रू लगा देंगे। ये बहुत ही इजी स्टेप है, आराम से आप कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे लैपटॉप ओपन कर दिए हैं, आपको फिक्स करना नहीं आ रहा है, SSD RAM आपने बराबर से इंस्टॉल किया है, वापस से आपको फिक्स करना नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो परेशान मत होइए, नियर बाई कोई से भी शॉप पे आप जाइए, वहाँ पर आप बेसिकली थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट उनका रहेगा, आप उनको देके आपका लैपटॉप आराम से फिक्स करवा लीजिए। अगर आप ट्राई करने जाएंगे कुछ या दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा कभी भी काम मत करिए। अभी हम इसमें लगाने वाले हैं इसका बैटरी, ये हमारा बैटरी लग गया है, ये लॉक हो गया है, आप देख सकते हैं ये हमारा HP का लैपटॉप में
पूरा इंस्टॉलेशन इसमें हो गया है, जिसमें आज हम 240 GB SSD किंगस्टोन का और 4 GB RAM इंस्टॉल किए हैं। अभी हम इसमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें नीचे दिए गए हुए कमेंट बॉक्स में, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सका उतना शेयर करें, ताकि उनका भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहा, लैपटॉप स्लो बूटिंग कर रहा है या हैंगिंग कर रहा है, लैगिंग कर रहा है, तो उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगली वीडियो में मिलते हैं।